क्योंकि आजकल ये कोरोना बीमारी बहुत खतरनाक फैल चुकी है और बच्चों में फैल चुकी है। अब तो थर्ड वेव के साथ, जिसकी थर्ड वेव आएगी और आना शुरू हो गई है, ब्लैक फंगस येलो फंगस के बीच में सरकार का एग्जाम लेने के प्लान का चारों तरफ विरोध हो रहा है। एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लेटर लिखा है कि एग्जाम ना किए जाएं ऑफलाइन। उसके बाद आज कांग्रेस का एक संगठन इस तरह का NSUI, उनके जो हेड हैं कुंदन जी, उन्होंने भी लेटर लिखा है कि ऑफलाइन एग्जाम ना लिए जाएं, कोई अल्टरनेट सोर्स दिया जाए एग्जाम। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आपका दिन अच्छा रहेगा आज का और आप खुश रहेंगे हमेशा, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेंगे। दोस्तों, अनुराग दे क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। पूरे देश में कोरोना से एजुकेशन और हेल्थ जगत के लोगों की डेथ हो रही है। CBSE एग्जाम लेने का प्लान बना रही है जून में डेट शीट लॉन्च करने की बात करी जा रही है। अभी अभी खबर मिली है कि जो वनस्थली यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस है राजस्थान में, उसके VC वाइस चांसलर प्रोफेसर आदित्य शर्मा जी की डेथ हो गई है। ऑब्वियसली डेथ कोरोना से हुई हो, ये कोरोना बीमारी बहुत खतरनाक फैल चुकी है और बच्चों में फैल चुकी है। अब तो थर्ड वेव के साथ, जिसकी थर्ड वेव आएगी और आना शुरू हो गई है, ब्लैक फंगस येलो फंगस के बीच में सरकार का एग्जाम लेने के प्लान का चारों तरफ विरोध हो रहा है। एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लेटर लिखा है कि एग्जाम ना किए जाएं ऑफलाइन। उसके बाद आज कांग्रेस का एक संगठन इस तरह का NSUI, उनके जो हेड हैं कुंदन जी, उन्होंने भी लेटर लिखा है कि ऑफलाइन एग्जाम ना लिए जाएं, कोई अल्टरनेट सोर्स दिया जाए एग्जाम। बुक एग्जाम की मांग करी गई है। शुरुआत में जब CBSE की मीटिंग हुई थी तो केवल दिल्ली राज्य ऐसा था जिन्होंने वहीं पर मना कर दिया था कि हम नहीं चाहते ऑफलाइन एग्जाम लेना जब तक वैक्सीनेशन ना हो। और दोस्तों, उसके बाद झारखंड, राजस्थान, पंजाब, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं और हरियाणा भी जो कि बीजेपी शासित है, वो भी सपोर्ट में आ गए हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के खिलाफ और जनरल असेसमेंट के खिलाफ। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, फॉरेन यूनिवर्सिटी, जो विदेशी यूनिवर्सिटी है, उनके संगठन ने लेटर लिखा है सरकार को कि आप जब तक एग्जाम लोगे जुलाई अगस्त में, सितंबर में आप रिजल्ट लाओगे, तब तक हमारे यहाँ पढ़ाई शुरू हो चुकी होगी और हम नहीं चाहते कि इतना लेट हो। इससे अच्छा आप बच्चों को फिलहाल एक पासिंग सर्टिफिकेट दे के पास कर दीजिए। और मैंने मोदी जी को लेटर लिखा है, मैंने उसमें लिखा है, मोदी जी अभी तो आप ऐसा करो, सबको पासिंग सर्टिफिकेट दे दो, सब पास हो गए, ताकि जो बच्चा जहाँ एडमिशन लेना चाहता है वो एडमिशन ले ले। और बाद में अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा, जिनको लगता है उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते थे, उनको एक चांस दे दीजिए कि जब कोरोना ठीक हो जाएगा या फिर वैक्सीनेशन हो जाएगा बच्चों का, तब वो एग्ज़ाम दे सकेंगे। आपको मेरा सुझाव कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं अपना सुझाव दोबारा बता देता हूँ। मैंने मोदी जी को लेटर लिखा है, शिक्षा मंत्री जी को, ये लेटर दोनों लोगों के पास जाएगा, वो पोस्ट कर चुका हूँ मैं आज सुबह ही। मैंने लेटर लिखा है कि मोदी जी फिलहाल सबको पासिंग सर्टिफिकेट दे दीजिए और बाद में अगर कोई बच्चा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 10-11% वो एग्ज़ाम कैंसिलेशन का अपोज कर रहे हैं, कुछ बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो कह रहे हैं एग्ज़ाम लो, इससे पढ़ने वाले बच्चों का नुकसान होगा। तो मैंने एक बहुत तगड़ा सजेशन दिया है, चूँकि दोनों बातें हमें सपोर्ट करनी है। 90% बच्चे चाहते हैं एग्जाम कैंसिल हो जाए, उनको एग्जाम नहीं देना चाहते। देखो, सबको इंजीनियर डॉक्टर तो बनना नहीं है, किसी को अपनी दुकान पर बैठना है, किसी को अपना बिजनेस करना है, किसी को सिंगर बनना है, किसी को फोटोग्राफर बनना है, किसी को यूट्यूबर बनना है, किसी को कुछ और काम करना है, बहुत सारे काम है। केवल डॉक्टर इंजीनियरिंग ही सिर्फ जॉब नहीं है दुनिया में, है ना। किसी को अपना ज्योग्राफी के फील्ड में काम करना है, किसी को हिस्ट्री फील्ड में काम करना है। तो जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं, जो टॉपर बच्चा समझता है कि मैं बहुत पढ़ा हूँ, उसको एक चांस दे दो वैक्सीनेशन के बाद या फिर पैंडेमिक के बाद, या अगर वो चाहता है कि अभी देना चाहता हूँ मैं तो मुझे कोई खतरा नहीं है, तो भाई अभी दे दो। क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है, इसका पता उसी को चलता है जिसको हो जाती है। जैसे जब मुझे कोरोना नहीं हुआ, उससे पहले मैं भी इसकी मजाक उड़ाता था, मैंने जिम जाना शुरू कर दिया था। जिम में मुझे एक लड़के ने बिस्किट खाने को दिया अपने हाथ से, जबकि खुद खा रहा था, मैंने ले लिया, खा लिया। मैं बातें करता था, वही मशीनें, उन्हीं पे पसीना लग रहा है सबका। मैं बटरफ्लाई कर रहा हूँ, उस पे पसीना लग रहा था। मेरे से पहले एक लड़की करके गई, मैंने देखा पीछे जो गद्दा लगा था उस पे पूरा पसीना चिपका हुआ था उसका। मैंने कोई सैनिटाइज नहीं किया, मैं ऐसे ही बैठ गया। तो हो सकता है मुझे इन्फेक्शन वहीं से हुआ हो। मैं मार्केट चला गया कंप्यूटर के पार्ट लेने के लिए, मुझे चार्जर लेना था। मैं 3 घंटे कंप्यूटर मार्केट में घूमता रहा गाजियाबाद में, यहाँ पर एक टावर है, क्या बोलते हैं, विजय टावर, उसको। मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन जब मुझे इन्फेक्शन हुआ और जब मेरी हालत ख़राब हुई, मुझे बुखार हुआ, तब मुझे पता चला। और जब मैं हॉस्पिटल रहा, मेरी ऑक्सीजन डाउन चली गई, और जब मुझे लगा बेटा तेरा हैप्पी बर्थडे होने वाला है, और तब मैंने हनुमान जी को याद किया, तब मुझे पता चला कोरोना क्या होता है। तो ये कोरोना ऐसी बीमारी है। अब मैं आपको बताता हूँ, CBSE के एग्जाम लेने के बीच में CBSE ने कहा है कि वो मेजर सब्जेक्ट का एग्जाम लेना चाहते हैं, जो टोटल 19 सब्जेक्ट हैं। तो बहुत से बच्चों ने मुझे मैसेज किया, भैया ये मेजर सब्जेक्ट कौन से हैं, हम इनका पता कैसे लगाएं। तो ये वीडियो में मैंने सोचा कि चलो आपको ये बता देता हूँ। और ये सारे सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ पर मैंने लिख लिए हैं, और मैं आपको 1 by 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक मेजर सब्जेक्ट। तो इधर से एक्सप्लेन करते हैं, सब देख लीजिए और नोट कर लेना इनको।
देखो डेट शीट जो है कह रहे हैं कि पर 1 जून को आ सकती है, जो कि 1 जून को डेट शीट भले ही सीबीएसई लॉन्च कर दे तो इसके चांस बहुत कम हो गए हैं कि एग्जाम ऑफलाइन हो पाएगा, जिस तरह से विरोध हो रहा है, जिस तरह से कोविड का ब्लैक फंगस येलो फंगस खतरा है। फिर भी मैं टीचर भी हूँ और मेरा फर्ज है आपको सारी बातें बताने का, तो मैं आपको ये बता दूँ कि 19 सब्जेक्ट कौन से हैं। और ये बात करी जा रही है सीबीएसई के द्वारा, मतलब ये बात उन्होंने लीक करी है ताकि वो देखें आप कितना विरोध करते हो। इसका विरोध करना जरूरी है क्योंकि हम इस एग्जाम के खिलाफ हैं। 1.5 घंटे का वो एग्जाम लेना चाहते हैं, होम सेंटर दे रहे हैं, अपने स्कूल में आपका एग्जाम होगा, 1.5 घंटे का होगा, मतलब आधे टाइम में, और 19 सब्जेक्ट का होगा बस। चलो सब्जेक्ट में बता देता हूँ, एक बात मैं फिर बता दूँ, मुझे स्कूलों की चाल लग रही है मेजर सब्जेक्ट वाली। और मैं बता दूँ कि संडे को भी एग्जाम होंगे आपके, अगर एग्जाम हुए तो संडे को छुट्टी नहीं होगी, लगातार एग्जाम होंगे। शिक्षा मंत्री मीटिंग में खुद बीमार लग रहे थे जब उनका एक बाइट आया था वो इंटरव्यू का, आपने देखा होगा, मैंने पहले बताया ही वॉज नॉट लुकिंग फिट, जैसे वो रहते हैं हमेशा, भगवान उनको जल्दी स्वस्थ करे। पेपर अगर हुए, जो कि बहुत कम चांस है, फिर बता रहा हूँ मैं अपने स्टैंड पर कायम हूँ, पेपर होने का चांस बहुत कम है, लेकिन आप पढ़ते रहना, अगर पेपर हुए तो केवल MCQ होंगे, केवल MCQ और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे, मतलब बड़े क्वेश्चन लिखने को नहीं आएंगे, डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, केवल MCQ और वेरी शॉर्ट आंसर, और आपके स्कूल में ही एग्जाम होगा, समझ लो बात को क्या मतलब है इसका। मैं आपको एक बात फिर बता दूं, जब जब स्कूलों में एग्जाम हुए हैं बच्चे के अपने स्कूल में, तब तब 100% रिजल्ट आया है। अगर आपको यकीन ना हो, पुराने बच्चों से पूछ लेना, जब CC सिस्टम था तो उसमें हर स्कूल का रिजल्ट 100% आता था, सारे बच्चे टॉप करते थे, 90% से ऊपर। मैं परेशान हो गया था क्योंकि मैंने अपनी कोचिंग में अनुराग के क्लासेस में एक पोस्टर लगा रखा था कि जो 90% से ऊपर लाएगा उसकी फीस मैं हाफ कर दूंगा। उस साल जब कपिल सिब्बल जी थे एजुकेशन मिनिस्टर और कांग्रेस की सरकार थी UPA की, तब भाई ये CC सिस्टम 3 साल तक रहा, मैं परेशान हो गया क्योंकि मैंने वो पोस्ट उस पर लिखवा रखा था अपने बोर्ड पर, उसको हटा भी सकता था मैं, और लोगों ने हटाने भी दिया, मुझे अपनी फीस हाफ करनी पड़ी क्योंकि 90% की लाइन लग गई नंबरों की, मतलब जिस बच्चों को मैं सोचता था फेल होगा उसके भी 90% थे। तो एक बात तो, एक पहली बात तो एग्जाम होंगे नहीं, और अगर हुए भी तो जो सरकार का सिस्टम है स्कूल में एग्जाम, 1.5 घंटे का एग्जाम, MCQ वेरी शॉर्ट, तो इसमें सब पास होने वाले हो और सबके नंबर फुल आएंगे क्योंकि MCQ में आपको पता क्या होता है, टीचर इशारे कर देगा, मतलब मैं ऑफिशियली नहीं बोल सकता इससे ज़्यादा, समझ जाओ आप। ये हैं आपके 19 सब्जेक्ट जो कि भाई यहाँ पर इनको कहा जाता है मेजर सब्जेक्ट। सबसे पहले अकाउंटेंसी रखा है मैंने, दूसरा नंबर 1 अकाउंटेंसी, नंबर 2 बायोलॉजी, तीसरा बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, जो जो सब्जेक्ट आपके पास हो कमेंट कर देना नीचे, भैया मेरे पास ये सब्जेक्ट हैं, इनमें से जो सब्जेक्ट आपके पास हो। अब आप मुझे कैलकुलेट करके बताना, क्योंकि CBSE अगर एग्जाम ले पाई, ले नहीं पाएगी फिर बता रहा हूँ, तो 3 सब्जेक्ट का लेगी इनमें से। अब आपके पास इनमें से कौन से 3 सब्जेक्ट है वो आप कमेंट करना, क्योंकि अनुराग के क्लासेस भी चैनल है, एग्जाम जानकारी पे तो हम केवल न्यूज़ देते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं आप 10 वीडियो क्यों बनाते हो, भाई 10 न्यूज़ आएंगे 10 बनाएंगे। आपने जी न्यूज़ को बोला कभी कि इतने सारे पूरे दिन न्यूज़ क्यों देते रहते हो? आपने आज तक को बोला नहीं, भाई हमारा जो एग्जाम जानकारी चैनल है इसका रजिस्ट्रेशन भी यूट्यूब पे न्यूज़ चैनल के रूप में ही है, इसलिए हमें वहाँ से इनकम भी नहीं होती ज़्यादा, बहुत कम पैसे मिलते हैं, व्यू भले ही आते हैं, पैसे बहुत कम आते हैं, मुश्किल से 2-3 हज़ार रुपये आ पाते हैं, कई बार तो $100 भी नहीं होते जो नहीं आते हमारे पास। न्यूज़ चैनल को यूट्यूब पैसे नहीं देती, चिड़ो मत, और जो सुपर चैट करके हमारा सपोर्ट करते हैं उनको तो करने दो भाई, कहाँ से खर्चा चलेगा, पूरे दिन में यही मेरा यही काम है, मेरे पास कोई रोजगार नहीं है दोस्तों, भूखा मरवाओगे क्या अपने भाई अनुराग को? कोई बच्चा सुपर चैट कर रहा है या डोनेट कर रहा है उसको करने दो, कई बड़े बड़े यूट्यूबर पहले ये करते थे। मैं फिजिक्स वाला सर को अपना आइडियल मानता हूँ, मैं उनकी वीडियो देखता था पहले, उनकी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे पेटीएम का नंबर लिखा होता था कि पेटीएम डोनेट करो, सपोर्ट करो, उसमें क्या बुराई है? अगर कोई यूट्यूबर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है आपके लिए, वो आपसे डोनेशन चाहता है जो आपकी मर्जी हो, तो इसमें क्या बुराई है? आप क्यों उसको मेरे उसके खिलाफ बच्चों को कर रहे हो सुपर चैट? क्यों ना लूँ सुपर चैट में? यूट्यूब का फीचर है, मेरा फीचर नहीं है क्या? मैंने अपनी वीडियो पर सुपर चैट अलग से लगा रखा कि यूट्यूब को बोलो ना जाकर आप सुपर चैट खत्म कर दो, अनुराग अरबपति हो गया, करोड़पति हो गया, अनुराग ने 10-12 कोठियां खरीद ली, पोर्शे खरीद लिया, एंटीलिया खरीद लिया, है भाई ऐसे भाई खर्चा निकलने दो यार, भूखा मर जाऊंगा भाई, ऐसे मत करो। तो भाई अप्लाइड मैथ्स हो गया, 13वां नंबर फिजिक्स का है, 14वां पॉलिटिकल साइंस का है, 15वां साइकोलॉजी का है, 16वां सोशियोलॉजी का है। ये है हमारे 16 सब्जेक्ट। किसान फैमिली से हूँ, घर से सारी चीज़ें आ जाती हैं, दाल आटा चावल, इसलिए जान बच रही है, नहीं तो मरने की हालत हो गई थी, कोई पैसा नहीं कमाया 2 साल हो गए। पिताजी भेज देते हैं गाँव से आटा दाल चावल चीनी घी देसी सब गाँव से आता है वो, तो गाँव थोड़ा सा रोज़ पापा आ नहीं पाते, नहीं तो दूध भी वहीं से आता, दूध लेना पड़ता है भाई, और भी खर्चे होते हैं, ऐसा नहीं है, है ना, जिंदा मत मारो मुझे। तो ये है आपके 16 सब्जेक्ट टोटल, 16 सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट हैं। एक बात और भी, अगर कोविड की वजह से आपका एग्जाम छूट जाता है, सरकार ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, तो बाद में आपको एग्जाम देने की फैसिलिटी मिलेगी 15 दिन के अंदर एग्जाम होने के। इसके बाद बहुत सारे स्टेट जो हैं छत्तीसगढ़ मॉडल को फॉलो करने की बात कर रहे हैं। अब CBSE चूंकि सेंटर की है तो CBSE कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बात ना मानी जाए, तो ऐसी उम्मीद है मुझे कि CBSE जल्दी ही एग्जाम कैंसिल करके खुद ही बोलेगी छत्तीसगढ़ मॉडल को फॉलो कर लो, क्योंकि CBSE की बेइज्जती हो जाएगी इस बारे में सेंटर की, कि अगर स्टेट, देखो स्टेट होते हैं ऑटोनॉमस एजुकेशन के मामले में, रक्षा के मामले में नहीं है, कोई स्टेट ये नहीं कह सकता मैं अपनी सेना बनाऊंगा,
और हम अपनी रक्षा खुद करेंगे। अगर चाइना हम पे हमला करेगा छत्तीसगढ़ पे, तो हम अपनी सेना छत्तीसगढ़ से ना, वो सेंटर का मामला है, पुलिस बना सकता है स्टेट, इंटरनल सिक्योरिटी। और एजुकेशन भी इंटरनल मामला आता है, ऑटोनोमस मामला आता है, तो सारे स्टेट अपना अपना फैसला ले सकते हैं, ये सिर्फ सलाह दे सकते हैं इनको। तो मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा मंत्री ये नहीं चाहेंगे सेंटर की हमारी बात ना माने, हमारी बेइज्जती होगी। तो जब इन्हें लगेगा सारे स्टेट छत्तीसगढ़ मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, तो खुद ही बोल देंगे ठीक है भाई एक ओपन बुक टेस्ट ले लो, बच्चों को एग्जाम पेपर दे दो और एक हफ्ते का टाइम दे दो, बच्चा एक हफ्ते बाद स्कूल में अगर अपना पेपर सबमिट कर देगा उसके पिताजी आ जाएंगे बंद लिफाफे में, है ना। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, अपने अपने स्टेट को सबको लेटर लिखना पड़ेगा, अपने स्टेट को लेटर लिखो, मेल करो, ट्वीट करो, अपने अपने स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर को कैंसिल एग्जाम, टेक ओपन बुक टेस्ट, इस तरह फ्लड कर दो, तभी कुछ होगा। आपको मैं तो गाजियाबाद रहता हूँ, मेरा स्टेट तो यूपी है, लेकिन मैं सबके लिए काम कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, सबके लिए मैं काम कर रहा हूँ। क्या आपके जो स्टेट के यूट्यूबर हैं जो दिन रात वीडियो बनाते रहते हैं, क्या आपने सोचा उन्होंने कितना काम किया आपके लिए, कितने ट्वीट किए, कितने लोगों से मिले? नहीं, बस घर घर में हैं, वीडियो बनाते जा रहे हैं। आप उनको भी कहो, अपने अपने स्टेट के यूट्यूबर से कहो कि हमारा साथ दो इस टाइम, आपने उनको भर भर के व्यू दिए, अब उनका टाइम है आपके सपोर्ट करने का। और सारे यूट्यूबर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये आपके खिलाफ की बात नहीं है, ये तो बच्चों से बात कर रहा हूँ, आपका ही फायदा हो, आपसे बात करेंगे। तो सारे यूट्यूबर अपने अपने स्टेट के बच्चों का साथ दें और अपने अपने स्टेट के मिनिस्टर्स को लेटर लिखें, मेल करें, ट्वीट करें, आपका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा कि बच्चे छोटे हैं। इसके अलावा देखो भाई, इस वीडियो में एक बात और बोल दूँ, बड़ी वीडियो होगी, बहुत बच्चों के पिताजी की डेथ हुई है, मम्मी की डेथ हुई है, कुछ बच्चों के घर में बहुत दिक्कतें हैं, बुक्स नहीं है, और मैं रोने लगता हूँ आपके मैसेज पढ़ के। कुछ बच्चों ने मेल किए हैं, हज़ारों मेल, मेरा पूरा जीमेल की दोनों आईडी, एग्जाम जानकारी और एटीसी वाली, दोनों फ्लड हो गई हैं, उनको मैसेज पढ़ना भी, मतलब जब मैं खोलता हूँ तो एकदम क्रैश हो जाता है। तो मैं धीरे धीरे आपके मेल पढ़ रहा हूँ, अगर आपके मेल का रिप्लाई नहीं है तो सॉरी। कल भी तीन बच्चों को बुक भेजी है, फीस जमा कर रहे हैं, अभी थोड़े फंड की बहुत दिक्कत चल रही है, क्योंकि एक एक रुपया बच्चे पेटीएम करते हैं, 10 रुपये 1 रुपया, बहुत कम बच्चे होते हैं जो 50-100 रुपये पेटीएम करते हैं। तो जितना मेरे पास हो पाता है मैं कर रहा हूँ, जितनी हेल्प हो पाएगी, सूरज नहीं हूँ चिराग हूँ, जितना हो सकेगा करूँगा। आप लोगों की दुआएं चाहिए, निराश मत होना, जिनके मम्मी पापा की डेथ हुई है उनका हम वो तो नहीं कर सकते दुख, लेकिन दुख शेयर कर सकते हैं आपके साथ, पूरा एग्जाम जानकारी आपके साथ, पूरा अनुभव देख लो। अपना ध्यान रखिएगा, सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो में कौन सा सब्जेक्ट आपके कोर्स में है वो बताना, आपके स्कूल ने कोई आपको लेटर भेजा है क्या ऑनलाइन टेस्ट के लिए वो बताना, आपका स्कूल आपको फीस के लिए तो परेशान नहीं कर रहा है वो बताना। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेटीएम कर सकते हैं 9818777622, ये मेरा पर्सनल पेटीएम नंबर है, आप पेटीएम के साथ मुझसे चैट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पेटीएम में ऐसे मत करना, एक एक पास मत देना, बार बार जितना दोगे एक बार देना चाहिए, 10 रुपये देना, लेकिन बार बार मत देना, क्योंकि वो पेटीएम वाले उसको ब्लॉक कर देते हैं चैट। थैंक यू वेरी मच, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना अपने भाई को, तुम्हारा भाई मेरे साथ, लव यू, सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।